गुजरात में 2002 में हुए दंगे के मामले में गुजरात क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों को 2 जुलाई तक रिमांड दी है। इस दौरान आरबी श्री कुमार और सीतलवाड़ पर आरोपों से जुड़े पहलुओं की जांच की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर मामला दर्ज किया है। तीनों पर 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़कर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। मामले का तीसरा आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में है। दरअसल 2002 में हुए गुजरात दंगे को लेकर एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेताओं को क्लीन चिट दी थी, जिसके खिलाफ पूर्व कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को खारिज करते हुए बीते 24 जून को सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही बताया। मामले को लेकर बीते 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तीस्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। तीस्ता ने एनजीओ में आए पैसे के दुरुपयोग के साथ अदालत में गलत जानकारी पेश की। संजीव भट्ट और आरबी श्री कुमार ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और सनसनीखेज बनाने के लिए इसमें गलत गवाही दी। ऐसे अधिकारियों को कानून के दायरे में लाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से वकील ने कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में झूठे बयान और हलफनामे पेश किए गए जो अपने आप में ही एक अपराध है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की मांग की है। आईपीसी की इन 6 धाराओं में दर्ज हुआ केस 468, धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी करना, 471, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना, 194, दोष साबित करने के इरादे से झूठे सबूत देना, 212, अपराधी को शरण देना, 218, पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी को सजा या संपत्ति जब्ती से बचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड तैयार करना, 211, खुद को चोट पहुंचाकर हमले का झूठा आरोप लगाना। जब मामले में सभी को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी, फिर मामले को सनसनीखेज और राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? तीस्ता के एनजीओ को कौन वित्त पोषित कर रहा था? क्या आरोपियों को अपने राजनीतिक आकाओं से राजनीति धन या कुछ और लाभ मिला है? इन आरोपियों के राजनीतिक आका कौन हैं? इन सभी पहलुओं की भी गहन पड़ताल होनी चाहिए।